अपन ने लास्ट क्लास की थी, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन करेंगे अध्याय द्वितीय परिभाषा शरीर। चैप्टर टू का नाम क्या है? परिभाषा शरीर। तो इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, अलग अलग वर्डों की डेफिनेशन, उनके मीनिंग पढ़ेंगे। चैप्टर टू परिभाषा शरीर। सिलेबस में क्या क्या है? छोटा सा चैप्टर है, कोशिश करेंगे आज पूरा हो जाए। कूर्चा, कंडरा, जाल, अस्थि संगात, सीमंत, सीवनी, रज्जु, ठीक है, स्नायु एंड लसिका, ये सब अपने सिलेबस में, मतलब इनकी परिभाषा है, नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेशन सार मतलब परिभाषा सारी। तो इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा है, लेकिन आपको नाम नाम परिभाषा परिभाषा याद करनी है, और उनकी संख्या याद करनी है कि कितने होते हैं। इतना भी याद कर लोगे तो ये चैप्टर छोटा सा है, एक दिन में आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। तो पहला वर्ड था कूर्चा। तो कूर्चा यानी होता है ब्रुश। क्या है? कूर्चा नाम स्नायु धमनी सन्नी पाता। कूर्चा नाम की कूर्चा नाम जिसका है स्नायु धमनी सन्नी पाता, कि जहाँ पर स्नायु और धमनी मिलते हैं, ठीक है, तो स्नायु धमनी के सन्निपात मिलने के स्थान को कूर्चा कहते हैं। स्नायु धमनी के सन्निपात यानी मिलने का, सन्निपात यानी मिलने का स्थान को कूर्चा कहते हैं। तो जब भी आपके वर्ड में आए कि कूर्चा, कूर्चा यानी कि जहाँ पर स्नायु, ठीक है, और धमनी, धमनी यानी आर्टरी, इनका मिलने का जो स्थान उसको कूर्चा कहते हैं। ये पूरी बॉडी में संख्या में कितनी होती है? छः। हस्त, पाद, गिरवा और मेड्र। अब समझो कि हस्त, हस्त को अपन बोलते हैं हाथ। देखो मैंने, देखो संस्कृत वर्ड भी लिखा है, हिंदी वर्ड भी लिखा है, इंग्लिश भी लिखा है, ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। तो हस्त यानी हाथ, तो कितने हाथ होते हैं? दो, तो दो। पाद इन कितने पैर होते हैं? दो फुट, मतलब दो। गिरवा गर्दन कितनी होती है? एक। नेक, एक। मेड्र लिंग कितने, पेनिस, एक ही होता है। तो ये छः होते हैं। टोटल कितने हुए कूर्चा? छः। क्वेश्चन आएगा कि कूर्चा की परिभाषा लिखो और इनकी संख्या लिखिए, तो आपको लिखना है कि स्नायु धमनी के सन्निपात को कूर्चा कहते हैं, इसकी संख्या छः होती हैं, दो हाथों में, दो पैरों में, एक गर्दन में और एक पेनिस में। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझ लो। पामर अफोनोरियसिस, जो अपनी हथेली है ना, वहाँ पे मिलता है, अपन बोलते हैं कि हैंड में पाई जाती है, हैंड में खापे, जो अपनी पामर मतलब हथेली है वहाँ पे, ठीक है। दूसरी देखो, प्लेंटर एपोनोरिस, मतलब जो पैर का तलवा है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। लिगामेंटम नुंच, तो ये अपनी गर्दन में जहाँ पे लिगामेंट मिलते हैं वहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि तीसरी गर्दन है ना। फोर्थ है फंडामेंटल ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द पेनिस एंड कैरेविनस स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, जो अपनी पेनिस की कोटलाइन स्ट्रक्चर होती है वहाँ पे पाई जाती है। चौथी, तो इस तरीके से मॉडर्न के अनुसार कोरिलेट किया है, तो कोरिलेशन समझने के लिए होता है, एग्जैक्ट नहीं बताते, क्योंकि आयुर्वेद अलग है, मॉडर्न अलग है, लेकिन समझने के लिए मॉडर्न का सहारा लेते हैं, क्योंकि अपन ने 12th तक और नीट में मॉडर्न पढ़ा है, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो इसको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो। और लास्ट में अगर ये भी याद नहीं हो, तो आपको बस ये परिभाषा याद रखनी है कि स्नायु धमनी के सन्निपात को कूर्चा कहते हैं। तो देखो, शॉर्ट करने के तरीके बता रहा हूँ, मैं पढ़ाऊँगा आपको पूरा, लेकिन आपको देखो, पहले पास होने के लिए ये याद करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो तो ये याद करो, और थोड़ा सा डीप में जाना तो ये याद करो, ठीक है। तो पहली लाइन है, स्नायु धमनी के सन्निपात को कूर्चा कहते हैं, इनकी संख्या छः होती हैं, दो हाथों में, दो पैरों में, एक गर्दन में, एक लिंग में, तो इस तरीके से छः होती हैं। तो पहला हो गया कूर्चा कंप्लीट। कंडरा, दूसरा वर्ड था कंडरा, अपने सिलेबस में दूसरा वर्ड था कंडरा। तो कंडरा क्या होती है? तो इसको टेंडन बोलते हैं, आपको पता है। महत्व स्नायव प्रोक्ता कंडरा, कि महत्व, महत्व यानी बड़ी, स्नायव है मतलब स्नायु यानी स्नायु, प्रोक्ता यानी बोला जाता है, कंडरा यानी कंडरा, कि बड़ी स्नायु को कंडरा बोला जाता है, तो बड़ी स्नायु को कंडरा कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख दी अपन ने। अंगों का संकोचन मतलब फ्लेक्शन एंड विस्तार एक्सटेंशन करने वाली बड़ी स्नायु को कंडरा कहते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि बड़ी स्नायु, देखो स्नायु है, लेकिन बड़ी स्नायुओं को अपन क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं, यानी कंडरा बोलते हैं। संख्या में कितनी होती हैं? 16 होती हैं। तो 16 खांका पे पाई जाती हैं। क्वेश्चन आता है कि कंडरा कितनी होती हैं, कंडरा किसे कहते हैं, उनकी संख्या लिखो, खांपे पाई जाती हैं ये भी लिखो। तो पाद, पाद यानी पैर यानी फुट, दोनों पैरों में 4, मतलब एक पैर में 2। हस्त, हाथ, हैंड, दोनों हाथों में यानी एक हाथ में 2, मतलब टोटल 4। गिरवा गर्दन नेक, नेक में 4, और पृष्ठ पीठ यानी बैक, जो अपनी पीठ है ना, पीछे का हिस्सा है, उसमें 4। टोटल ये 16 पाई जाती हैं। तो टोटल 16। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, बिग कोड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंडन। बिग कोड लाइक स्ट्रक्चर, कमेंट आया है, स्नायु मीन्स नर्वस, नहीं, स्नायु यानी से लिगामेंट,
स्नायु मीन्स लिगामेंट्स, ठीक है, लिगामेंट का ही एक पार्ट है ये टेंडन। अलग अलग तरह के अलग अलग संरचनाएं होती हैं, कोई पतला होता है लिगामेंट, कोई फ्लैट लाइट होता है, कोई रिबन लाइक होता है, कोई गोल होता है। तो ये टेंडन है कौन सी, बड़ी टेंडन, मतलब महत्व, बड़ी स्नायु को कंडरा कहते हैं। तो जो लिगामेंट्स होते हैं ना वो है स्नायु, ठीक है। 16 कंडराएं होती हैं, मतलब 16 टेंडन्स होते हैं, चार पैरों में, चार हाथों में, चार गर्दन में और चार पीठ में, बड़ी बिग। अब देखो बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं, मतलब अंगों का संकोचन और फ्लेक्शन, अपने पैरों को संकोचन करने के लिए और एक्सटेंशन करने के लिए, हाथों को संकोचन करने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए, गर्दन को आगे पीछे करने के लिए, और कमर, ये अपनी जो पीठ है वो भी तो एक पूरी बड़ी है, तो इसलिए 16 होती हैं, चार चार ये फिक्स हैं, आपको याद रखनी है। ऐसे कैसे एग्जिट, ये परिभाषा शरीर क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कंडरा, क्योंकि कंडरा बार बार यूज होता है आयुर्वेद में, तो आपको पता होना चाहिए कि कंडरा किसे कहते हैं, इसलिए इसको डेफिनेशन शरीर बोला गया इस चैप्टर का नाम। तीसरा है जाल, प्लेक्सस नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इन द बॉडी। प्लेक्सस आप लोग होता है नर्वस फ्लेक्सस, मतलब जो वहाँ पे तंत्रिकाओं का जाल होता है, इसी तरीके से फ्लेक्सस है किसका, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, जो फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर के तंतु होते हैं ना उनका इन बॉडी। तो अपने शरीर में जहाँ पे फाइबर का जाल्स होता है ना उसको जाल बोला जाता है, जाल अर्थात शरीर में तंतुओं का, मतलब फाइबर्स का जाल। शरीर में जहाँ मांस सिराएं स्नायु अस्थियाँ सम्मिलित रहती हैं या एकत्रित रहती है उस स्थान को जाल कहते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि जहाँ पर देखो मांस भी है वहाँ पे वेन भी है, जहाँ पे लिगामेंट्स भी हैं, जहाँ पे बोन भी है, सब एक साथ आके मिल गए उस हिस्से को क्या बोलेंगे, जाल बोलेंगे, उस स्थान को जाल कहते हैं, क्लियर। अब देखो ये मांस सिराएं स्नायु और अस्थियाँ आपस में इस तरह अनुप्रविष्ट होती हैं, जहाँ पर इनका संयोग होता है वह स्थान छिद्रित जालीदार हो जाता है। देखो बहुत सारी चीज़ें एक साथ जाके मिल रही हैं, वहाँ पे ऐसी संरचना बनाई है कि जैसे अपनी छलनी होती है ना चाय छानने जैसी, अलग अलग जैसे, ठीक है, तो छलनी जैसे होती है चाय छानने की, छलनी देखी ना अपने चाय छानते हैं, वो जालदार बन जाती है उस तरह। ये मांस सिराएं स्नायु अस्थियाँ आपस में इस तरह अनुप्रविष्ट होती हैं, जहाँ पर इनका संयोग होता है वह स्थान छिद्रित। अब देखो कुछ चीज़ें मिलती हैं आपस में, एक तो होता है पूर्णतः बंद होना, ऐसी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आवागमन भी रक्त का है, तंत्रिकाओं का है, कुछ भी हो आवागमन होता है तो छिद्रित होते हैं, तो जहाँ पे ये सब मिलते हैं लेकिन वहाँ पे छिद्र होते हैं ना, तो उसको जालीदार संरचना बन जाती है, उसको बोलते हैं जाल। फ्लेक्सेस मतलब नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क ऑफ फाइबर्स इन द बॉडी। ये संख्या में कितनी होती हैं, 16। अब कहाँ पे पाई जाती हैं, मणिबंध में और गुल्फ में। मणिबंध में कितनी पाई जाएंगी, 8, और गुल्फ में कितनी पाई जाएंगी, 8। अब ये मणिबंध क्या होता है, मणिबंध अपने हाथ की जो कलाई है ना या फिर रिस्ट जॉइंट वो, उसको मणिबंध बोला, मतलब रिस्ट यानी कलाई, दोनों मणिबंधों में 8, तो दो हाथ हैं अपने, ठीक है, क्योंकि एक मणिबंध में 4 हैं तो दोनों मणिबंध में 8 हैं। गुल्फ टखना एंकल, दोनों गुल्फों में 8, इस तरह प्रत्येक में 4-4 होते हैं, तो एक हाथ में 4, दूसरे में 4, फिर दूसरे पैर में, एक पैर में 4, फिर दूसरे पैर में 4, इस तरह टोटल 8-8 बराबर 16 जाल होते हैं। तो 16 तरह के 16 जाल बनते हैं अपनी बॉडी में। कैसे जाल बनते हैं, दोबारा देखो कि जहाँ पे मांस सिराएं स्नायु होती हैं, ये चारों चीज़ जहाँ पे आके मिल गई वहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे छलनी जैसी छिद्रित जालीदार संरचना बनाए, उसको बोलते हैं क्या, जाल। तो ये अपनी बॉडी में कहाँ पे बनती है, एक तो मणिबंध में बनती है और एक गुल्फ में बनती है, मणिबंध में बनती है, एक गुल्फ में। अब ये मणिबंध होता क्या है, रिस्ट जॉइंट को मणिबंध बोलते हैं, गुल्फ किसको बोलते हैं, एंकल जॉइंट को। इस स्थान पे ये संरचनाएं बनती हैं जाल जैसी। तो एक, अब ये चार ही क्यों है, क्योंकि मांस सिरा स्नायु अस्थि ये चार ही कंटेंट है, तो इसलिए एक एक, एक मणिबंध में 4, दूसरे में 4, फिर एक एक गुल्फ में 4, दूसरे में 4, क्योंकि संरचना 4 है तो चारों की एक एक बनती है, मांस सिरा स्नायु अस्थि है, तो 4 जालियां बनती हैं एक जगह पे, इसलिए इनको 4-4 बोला गया काउंट करने के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, ए टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ मसल्स वेसल्स लिगामेंट्स एंड बोन इन द कार्पल, मतलब रिस्ट जॉइंट एंड टार्सल, मतलब एंकल जॉइंट रीजन, मतलब रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट रीजन में मसल्स का, मतलब मांस का, वेसल्स यानी सिराओं का, लिगामेंट्स का और बोन का जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जाल बोलते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक का एक जाल होता है, मसल्स का एक जाल होता है, वेसल्स का एक जाल होता है, लिगामेंट्स का एक जाल होता है, बोन्स का एक जाल होता है, इस तरीके से 4 होते हैं। तो एक रिस्ट में 4, दूसरे रिस्ट में 4, एक एंकल में 4, दूसरे एंकल में 4, इस तरीके से 16 होते हैं, क्लियर, यस या नो। अब देखो संघात, 2 हो गए अपने, यस सर। आप देखेंगे, नहीं आगे बढ़ गया मैं,
अब देखो संगात, संगात को क्या बोलते हैं, अस्थि संगात, और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, जॉइंट। कि जॉइंट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, संगात बोलते हैं, उसी को अस्थि संगात बोलते हैं। अस्थि संगात यानी दो या दो से अधिक अस्थियों यानी बोन के संयोग को अस्थि संगात कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक बोन के जॉइंट को क्या बोलते हैं, मतलब जोन जो बोन के संयोग को क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। कि दो या दो से अधिक अस्थियों के संयोग को अस्थि संगात कहते हैं। अब यहाँ पे ये श्लोक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मुझसे आज से मुझे पता है कि आज से दो एक महीने पहले एक जूनियर का मैसेज आया था कि सर ये श्लोक मुझे समझ नहीं आया और ये एग्जाम में आया था, तो मैंने इसको मैंने मेंशन किया कि चतुर्दशा स्थानम संगाता, कि अपनी बॉडी में 14 जगह, मतलब चतुर्दश संगाता है, तो ये तो है लास्ट में दो और बताएं तो मतलब टोटल 16 होते हैं, समझो। कि चतुर्दश स्थानम संगाता तेसाम, उनमें से पहले बोला कि चतुर्दश स्थानम संगाता, मतलब कि 14 जगह संगात हैं, तेसाम उनमें से त्रयो, मतलब कि ये हैं गुल्फ जानु वंक्षणेशु एन तेरे से शक्ति वायु च वाख्या तो त्रिक सिर एक एक ऐसे है ये त्रिक सिर एक एक। कि 14 तो ये हैं, बाद में दो और बता दी, इस तरह के 16 होते हैं। अब समझो कि चतुर्दश स्थान संगातम तेसा उनमें से त्रयो, मतलब तीन इस तरीके से हैं, गुल्फ जानु वंक्षण। गुल्फ यानी होता है एंकल, जानु यानी होता है नी, और वंक्षण यानी होता है हिप। तो गुल्फ, अब एंकल टकने कितने अपने, दो हैं, दो पैर हैं, तो एक प्लस एक दो। घुटने कितने हैं, दो पैर हैं, तो दो होंगे, एक प्लस एक दो। वंक्षण कितने होते हैं, हिप जॉइंट, अब दो हिप बोन है ना अपनी, मतलब दो हिस्से हैं ना हिप के एक तरीके से, तो दो, ठीक है। एक तरीके से जो यहाँ पे अपने पैर के दोनों तरफ से जहाँ पे ह्यूमरस जुड़ रही है उस लिगामेंट की बात कर रहा है, ये वंक्षण की, जहाँ पे ह्यूमरस ऊपर वाले जोड़ से जुड़ रही है ना उस जॉइंट की बात कर रहा है ये, तो दो। अब ये देखो देखो यहाँ पे लिखा कि तेसाम त्रयो गुल्फ जानु वंक्षण एन तरह से, इसी तरीके से शक्ति और वायु में होते हैं। शक्ति यानी क्या होता है, पैर भाई, इस तरीके से पैर में होते हैं, इसी तरीके से हाथ में होते हैं, वायु यानी हाथ, यहाँ पे लिख दिया मैंने शक्ति यानी पैर। देखो यहाँ पे लिख दिया कि एन तरह से शक्ति, कि गुल्फ जानु वंक्षण जिस क्रम में गुल्फ जानु वंक्षण वंक्षण में है ना, जैसे एंकल नी जॉइंट इस तरीके से निचले शक्ति में है, उसी तरीके से वायु में है, मतलब शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट और कलाई जॉइंट। कपूर यानी एल्बो, मणिबंध नहीं, शुरुआत में देखो मणिबंध यानी रिस्ट, कपूर यानी एल्बो, और कक्ष यानी शोल्डर। टंकण के समान, अपने टकने के समान, मतलब एंकल के समान क्या है, रिस्ट। जानू के समान क्या है, एल्बो, और वंक्षण के समान क्या है, शोल्डर, है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो एन तरह से शक्ति भाव, जिस तरीके से पैर में है ना उसी तरीके से भाव यानी हाथ में भी हैं। तो दो टैंक एंकल हो गए, दो जानू हो गए, दो हिप हो गए, इसी तरीके से दो मणिबंध हो गए, दो एल्बो हो गए, दो शोल्डर हो गए, कितने हो गए, 12। अब यहाँ पे देखो त्रिक सिर एक एक है, एक सैक्रम में होता है, एक स्कल यानी सिर में होता है, इस तरीके से टोटल 16 होते हैं। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। अब समझ में आ गया ये श्लोक कैसे है, ये श्लोक कि चतुर्दशन आप संगातम भाई 14 तो यहाँ तक है, लास्ट में दो हैं कि त्रिक सिर एक एक, भाई त्रिक और सिर में, मतलब सैक्रम में और स्कल में भी एक एक होता है, इस तरीके से टोटल 16 होते हैं। और शक्ति और भाव समझ में आ गया ना, ये शक्ति और भाव, कि भाई जिस तरीके से ये क्रम बताया ना उस तरह जैसे शक्ति में है उसी तरीके से भाव में है। ओके, यस या नो, इस तरीके से ये टोटल कितने जॉइंट हो गए, 14 जॉइंट पाए जाते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पार्टिकुलर क्लैम्प्स ऑफ द बोन्स एंड द बोनी प्रोसेस एस एंकल नी हिप रिस्ट एल्बो शोल्डर और सैक्रम एंड स्कल, वो इंग्लिश में नाम आ गए, इंग्लिश में नाम आते तुम समझ जाओगे कि भाई एंकल है, नी है, हिप है, रिस्ट है, एल्बो शोल्डर, सैक्रम एंड स्कल, ये सबको क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोले, क्योंकि इंग्लिश तो आपको पढ़ा है ना कि भाई सबसे पहले नीचे देखो एंकल, फिर उसके ऊपर आओ हिप, नहीं नी, फिर उसके ऊपर आओ हिप, फिर अपने कलाई पे आओ रिस्ट, फिर अपने खोनी पे आओ एल्बो, और शोल्डर ऊपर है, और सैक्रम अपने जो पीछे को है चार अस्थियों का संगात, और स्कल अपने सात, कितनी संधियाँ, कितनी अस्थियाँ मिलकर अपने जो कपाल बनाती हैं, ये सब जॉइंट है, कितने, अस्थि संगात, इसको अस्थि संगात बोलते हैं। अब क्लियर हो गया ना कि कैसे होते हैं ये, अरे सॉरी गलत बोल दिया मैंने, बहुत कि 12 बहुत गड़बड़ बोल दी मैंने, बहुत ज़्यादा गलत बोल दी कि टोटल ये गलत लिख दिया मैंने, 14 होती क्योंकि मैं काउंट कर रहा हूँ कि 3 दिन 6 6 12 और 2 14 होते हैं, तो ये सही है, चतुर्दशनाम संगात, मतलब
14 होते हैं काउंटिंग में, इस तरीके से होते हैं ये कि त्रय दशो गुल्फ जानु वंक्षण से, मतलब ये 12 तो ये हैं, 2 ये हैं। तभी मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं, तो ये गलत लिख दिया मैंने, ये 14 है यहाँ पे नीचे, तुमने भी ध्यान नहीं दिया, कोई तो बोल देता। इसको कट करो, यहाँ पे लिखो 14, ठीक है। देखो चतुर्दशनाम संगति यहाँ पे क्लियर कर दिया, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। चतुर्दशन संगति मतलब 14 होते हैं, त्रयो गुल्फ जाणु वंक्षणसु शक्ति वायु, मतलब जिस तरीके से गुल्फ जाणु वंक्षण होते हैं उसी तरीके से वायु में होते हैं, फिर 2 त्रिक्षिर, 2 और 4 6, 2 4 6, 6 6 12 और 2 14। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब पढ़ रहे हैं। हाँ बोल देते यार, अब क्लियर है ना, बता दिया करो, मतलब थोड़ी सी देखो एक छोटी सी गलती और पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो मैं इसको काट दूंगा, इसको सही कर देना आप, ये 14 ही है, ये सही है, चतुर्दशनाम संगातम, क्योंकि अपन चतुर्दश मतलब संगात 14 ही होते हैं। क्लियर, अब समझ में आया ना, काउंटिंग यहाँ 14 ही काउंटिंग हो रही है, और अपन देखो यहाँ 16 कर रहे थे डायरेक्ट। ओके हेलो, क्या हुआ, शांत कैसे हैं सारे सारे? यस सर। बता दिया करो अगर ऐसे लगे ना कुछ आपको कुछ गड़बड़ लगे। सीमंत, अब आया अगला है सीमंत, अपन ने अस्थि संगात कर लिया, अब करेंगे सीमंत। इसी को क्या बोलते हैं, अस्थि सीमंत, जैसे यहाँ पे अपन संगात बोला इसी को क्या बोलते हैं, अस्थि संगात, इसी तरीके से सीमंत, जिनके द्वारा अस्थि संगात में सीवन सूचर कर्म पाया जाता है उन्हें अस्थि सीमंत कहते हैं। समझो इस चीज़ को कि जो जहाँ से जुड़ते हैं ना जॉइंट, जितने भी 14 तरह के अस्थि संगात थे, 14 तरह के अस्थि संगात थे, तो जिनके द्वारा अस्थि संगात में सीवन यानी सूचर कर्म की पाया जाता है उन्हें अस्थि सीमंत कहते हैं। अस्थि सीमंत की संख्या 14 होती है, वे अस्थि संगात के समान ही गणनीय है। जिस तरीके से क्वेश्चन आए कि अस्थि सीमंत को लिखिए और खाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सेम टू सेम कि गुल्फ दो, जानू दो, वंक्षण दो, मणिबंध दो, कपूर दो, शोल्डर दो, त्रिक एक और सिर एक, इस तरीके से टोटल 40, क्योंकि इनको जो जोड़ने का काम कर रहा है, इन बोनों को जो सूत्रकर्म पाया जाती है, इनको इनको गुल्फ को आपस इसमें इन जॉइंटों में जो जोड़ने का काम करता है ना, वही सीमंत है। ठीक है, तो जिसके द्वारा अस्थि संगात में सीवन यानी सूत्रकर्म किया, सूत्रकर्म है ना सिलाई के समान, अपन किसी के घर में सिलाई मशीन है, दो कपड़े फटे कपड़ों को जोड़ देते हैं, तो सूचर एक तरीके से टांके लगाना, ठीक है, तो दो बोनों के जो जॉइंट पाया जाता है ना एक तरीके से, वो सीमंत है। अब अगला पॉइंट है सेवनी, क्योंकि अपन ने जो खांता कर लिया सिलेबस के पॉइंट में, कूर्चा हो गया, कंडरा हो गया, जाल हो गया, अस्थि संगात हो गया, सीमंत हो गया, आप करेंगे सेवनी। सीवनी सूचर, इसको रेफे बोलते हैं, इसको रिज बोलते हैं, देखो क्या क्या नाम है, सेवनी इसको सूचर बोलते हैं, इसको रेफे बोलते हैं, इसको रिज बोलते हैं। सीवन यानी सिलाई के द्वारा मिलाए हुए भाग के समान जो रचना होती है वह सेवनी कहलाती है। शरीर में जो भाग परस्पर सीवन यानी सिलाई के समान मिले हुए समान जुड़े हुए होते हैं वे सेवनी या सीवनी कहलाती है। सीवनी त्वचा श्लेष्मल त्वचा और अस्थियों में मिलती है, मतलब सीवनी श्लेष्मल त्वचा और अस्थियों में मिलती है, मैंने त्वचा दो बार लिख दिया, यही प्रॉब्लम होती है हैंडरिटन नोट्स में, गड़बड़ हो ही जाती है कि सीवनी श्लेष्मल त्वचा और अस्थियों में मिलती है, खांफा में मिलेगी, त्वचा में भी मिलेगी, श्लेष्मा भी मिलेगी, श्लेष्मल मतलब जीभ है, जीभ श्लेष्मा वाली है ना, तो श्लेष्मा भी मिलेगी और अस्थियों में भी मिलेगी। चलो मैंने दूसरे त्वचा को काट दिया, इसको काट देते हैं इसमें, अब सही है, सीवन त्वचा श्लेष्मल और अस्थियों में मिलती है। अब जैसे कि संख्या में कितनी होती है, 7, सिर में कितनी होती है, 5, जिव्या में कितनी होती है, 1, और शीशन में कितनी होती है, 1, तो त्वचा वाली खांपे पाई जाएगी सीशन में, श्लेष्मा वाली खां पाई जाएगी जिव्या में, और बोन वाली खां पे पाई जाएगी सिर में, स्कल जो अपना कपाल है इसमें सूचर पाई जाती है ना, आपने एनाटोमी में पढ़ा होगा, जब बोन अपने सर लेके आते होंगे अपने हाथ में दिखाने के लिए आपको, या फिर कैडे डिसेक्शन करते समय, तो 5-6 बोने मतलब जुड़ती तो रहती है ना, मतलब ये फ्रंटल टेम्पोरल इनके जो बीच में एक लाइन सी होती है, रेफे होती है, रेफे या रिज होते हैं, एक दरार सी होती है छोटी सी दिखती है, वही है सेवनी। ठीक है, उन्हीं को सेवनी बोलते हैं, सूचर, एक तरीके ऐसे लगता है कि इन बोनों को सी दिया हो, तभी तो पूरा कपाल तैयार होता है,
ये तो है ही नहीं कि पूरी पूरी एक बोन है, नहीं है ना, पांच छह बोनों को, जैसे टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और फ्रंटल, पैराइटल, इन बोनों को मिलके ही तो बनता है पूरा कपाल, यस या नो भाई? टेम्पोरल है, फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, और कौन सी बोन रहेगी? फ्रंटल। इन सब बोनों को जब मिलके पूरा कपाल बनता है, तो इन जो बोनों में जॉइंट्स होते हैं ना, सूचर जैसे सिलाई के समान एकदम टाइट जुड़ी होते हैं, वो है सिवनी। तो वो कितनी पाई जाती हैं? सिर में पांच पाई जाती हैं, जिव्या में एक है, और सीसन में एक है, टोटल सात। दो शुद्धियाँ हो गई आज, है ना, इसको मैं सही कर दूंगा, मैं मैन को भी मत कर दूंगा, तुम बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं गलत बोल रहा था, किसी ने बोला भी नहीं। अब देखो, रज्जू या मांस रज्जू, अगला पॉइंट था मांस रज्जू या मांस रज्जू। मांसपेशियों की रस्सी, डोरी के समान जो रचनाएं पृष्ठ पीठ में होती हैं, उसे मांस रज्जू कहते हैं। ध्यान से सुनो, मांसपेशियों की रस्सी, मसल्स, मांसपेशियां नहीं, मसल्स, मसल्स की रस्सी डोरी के समान जो रचनाएं पृष्ठ पीठ में होती हैं, मतलब पीछे की अपने पीठ में होती है ना, बैक साइड, उन्हें मांस रज्जू कहते हैं। पृष्ठ होते हैं वर्टिबल कोलम। मैं इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए समझने में। प्रश्न यानी वर्टिबल कॉलम के दोनों और दो अंतर दो भार, इस प्रकार चार बड़ी दृढ़ और लंबी पेशियाँ रहती हैं, उन्हें मांस रज्जू कहते हैं। ये बोल रहा है कि जो वर्टिबल कॉलम है अपना, कि दोनों ओर अंदर और दो बाहर, कि जो वर्टिबल कॉलम है खोखली आपको पता है, तो उसके दो अंदर और दो बाहर की तरफ लंबी चार बड़ी दृढ़ और लंबी पेशियाँ रहती हैं, उन्हें मांस रज्जू कहती है। ये संख्या में चार होती हैं, पहले बता दिया कि दो बाहर की तरफ होती हैं उस खोखली रज्जू के, और उस दो खोखली के अंदर होती हैं। आपको पता है ना वर्टिबल कॉलम खोखला है अपना, वर्टिबल कॉलम देखिए ना, अंदर से खाली से होता है, उसमें से अपनी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जाती है, मतलब मेरुरज्जु अंदर होके जाती है उसमें से, फिर उसमें से धागे निकलते हैं, मतलब नर्व निकलती हैं, तंत्रिका निकलती हैं। आपने नहीं देखा होगा डिसेक्शन में, देखना, डिसेक्शन करो तब, जैसे ऐसे होता है ये, ऐसे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे ऐसे, तो इसमें से वो मेरुरज्जु जाती है बीच में होके, और बीच में इसमें ऐसे निकलते रहते हैं नर्व्स, निकलते रहते हैं ना, वैसे ही है। अब अगला पॉइंट है स्नायु, स्नायु उत्पत्ति, स्नायति शुद्धेति दोषानया, मतलब ईस्ना प्लस उष्ण से स्नायु शब्द निष्पन्न हुआ। अब ये वर्ड हैं संस्कृत के, कि भाई ईस्ना प्लस उण से दो स्नायु से स्नायु शब्द निष्पन्न हुआ है। अब स्नायु उत्पत्ति की मैंने ये बीच में गलत लिख दी है लाइन, लेकिन ये लाइन देखो स्नायु उत्पत्ति में, कि पित्त युक्त वायु, यहाँ देखो जहाँ पे डॉट है ना वहाँ पे देखो, कि पित्त युक्त वायु मेद का स्नेह भाग पृथक करके, कि पित्त युक्त वायु, देखो ध्यान से होगा, कि पित्त दोष से मतलब ऊष्मा युक्त, उष्णता युक्त वायु मतलब गर्म हवा, कि पित्त युक्त वायु मेद का स्नेह भाग पृथक करके, कि मेद जो मेद धातु है ना उसका स्नेह भाग अलग कर दिया, क्योंकि उष्णता है और वायु है, वायु रुक्ष होती है, पित्त का भी गुण है उसमें उष्णता वाली, तो उसने क्या किया स्नेह भाग को सुखा दिया, कि वायु रुक्ष थी ना, तो स्नेह भाग को अलग करके, स्नेह भाग पृथक करके मांस को सिरा और स्नायु में परिवर्तित करती है, कि जो मेद धातु है ना उसका स्नेह भाग अलग कर दिया तो वो मांस बन गया ठोस, तो मांस को सिरा और स्नायु परिवर्तित करती है, कौन? पित्तयुक्त वायु, कि मांस को सिरा और स्नायु में परिवर्तित करती है, तो सिराओं का पाक मृदु होता है और स्नायु का खर होता है। कहने का मतलब होता है जिनका अगर मृदु, यानी एक तो होता है मध्यम नॉर्मल आँच, किसी भी चीज़ को पकाने के लिए, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति करने के लिए, जैसे अपन को सब्जी बनानी है, चावल बनाने, ठीक है, कुछ भी, तो नॉर्मल मध्यम मध्यम अग्नि, तो मृदु पाक, तो अगर मृदु पाक होगा तो सिराएं बन जाएंगी उससे, ठीक है। अगर मान लो खर पाक, मतलब एकदम तीक्ष्ण अग्नि हो गई, तो क्या बनेगा? स्नायु बनेगा, तो स्नायु का खर पाक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पित्त युक्त वायु अगर मांस का या मेद का क्या करे, खर पाक करे, खर पाक यानी तीव्र आँच वाला पाक करे, तीव्र रूप से पचाए, तो क्या बनता है? स्नायु की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन आता है AIPGT में कि मृदुपाक से बनते हैं सिरायु और खरपाक से बनता है स्नायु, ये बात ध्यान रखना, कि अगर मतलब मेद और मांस धातु का मृदुपाक होता है तो क्या बनती हैं? सिराएं, और मेद और मांस धातु का अगर खरपाक होता है तो क्या बनती हैं? स्नायु, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है AIPGT में। अब देखो स्नायु की संख्या, नहीं ये हो गई स्नायु उत्पत्ति, अब स्नायु परिभाषा देख लेते हैं। स्नायु शरीरगत श्वेत सूत्र में उपधातु है, देखो श्वेत सूत्र में धागे के समान सफेद संरचना है जो संधि और मांसपेशियों के बंधन में काम आती है। ये क्या काम करती है भाई? स्नायु की परिभाषा किसे बोलते हैं? कि स्नायु शरीरगत श्वेत सूत्र में
उपधातु है जो शरीर संधि और मांसपेशियों के बंधन में काम करती है, कि जितने भी जॉइंट्स हैं और जितने भी मसल्स हैं उनको बांधने का काम करती है, शरीर को मजबूती प्रदान करती है। तो जितने भी लिगामेंट्स हैं जॉइंट को बांधने में, जैसे कि अभी मेरे लास्ट ईयर फ्रैक्चर हुआ था, मतलब लिगामेंट डिसलोकेशन, कि लिगामेंट अपनी जगह से हट गया था, तो मतलब जॉइंट को ढीला बना दिया, लिगामेंट हट गया तो जॉइंट ढीला हो गया, अब जॉइंट डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो ये क्या बोलते हैं स्नायु परिभाषा में, कि स्नायु शरीर का श्वेत सूत्र में उपधातु है, कि सफ़ेद संरचना है जो संधि और मांसपेशियों के बंधन में काम करती है, कि जो अपनी जितनी मसल्स हैं उनको मजबूत बनाती है, और क्या बोलते हैं जितने भी जॉइंट हैं उनको मजबूत बनाती है ताकि वो डिसलोकेशन ना हो, ये स्नायु का परिभाषा है। अब देखो स्नायु संख्या 900 होती है, कितने होते हैं पूरे टोटल बॉडी में, कितने स्नायु हैं 900, 900, शाखाओं में 600, कोष्ठ में 230 और ग्रीवा से ऊपर 70। शाखाओं यानी दो हाथ दो पैर, शाखा यानी दो हाथ दो पैर होते हैं, ठीक है 600। कोष्ठ में 230, कोष्ठ यानी अपना मध्य शरीर, एक तरीके से जितना भी आमाशय पक्वाशय जितना भी मध्य शरीर गर्दन से और अपनी जो कमर है ना यहाँ तक का हिस्से में 230 स्नायु होते हैं, और ग्रीवा से ऊपर जो अपनी गर्दन ठीक है से ऊपर कितने होते हैं 70। ये इस तरीके से इनकी संख्या बटी हुई है 900। ये आता है क्लासिफिकेशन की स्नायु की संख्या होती है 900, आपको आंसर पता होना चाहिए। अब देखो स्नायु के प्रकार, स्नायु के चार प्रकार हैं, प्रतानवती स्नायु, वृत्त स्नायु, सुषिर स्नायु, प्रतुल स्नायु। ये आयुर्वेद के अनुसार कर रहे हैं अपन, तुम्हें पता है कि भाई क्योंकि अपन आयुर्वेद एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो स्नायु आयुर्वेदा में अनुसार परिभाषा में, तो अपन आयुर्वेद के अनुसार ही पढ़ रहे हैं कि भाई चार प्रकार के स्नायु होते हैं, प्रतानवर्ती स्नायु, वृत्त स्नायु, सुषिर स्नायु और प्रतुल स्नायु। प्रतानवर्ती स्नायु को लिगामेंट बोलते हैं, वृत्त स्नायु को टेंडन बोलते हैं, सुषिर स्नायु को वेल्वर बैंड ऑफ मसल्स, और प्रतुल स्नायु को फ्लेटेड ऑफ रिबन शेप्ड, फ्लेटेड यानी चपटा, जो चपटे लिगामेंट्स होते हैं ना उनको प्रतुल स्नायु बोलते हैं, चपटे यानी रिबन लाइक, जैसे अपन एक धागा सा बांधते थे ना कहीं भी एंट्री करने से पहले उसको कैंची से काटते हैं, रिबन लाइक, रिबन यानी एकदम पतला सा होता है वो प्रतुल स्नायु, फ्लेटेड यानी रिबन शेप, रिबन जो अपन काटते हैं ना कैंची से काटते हैं रिबन को, उस तरह के पतली संरचना होती है सफ़ेद कलर की, वो होती है प्रतुल स्नायु। अब एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो वृत्त स्नायु को टेंडन बोलते हैं, अपन ने क्या बोला था कंडराई परिभाषा की थी, यहाँ पे देखो कंडराइन टेंडन, और यहाँ पे क्या लिखा था कि बड़ी स्नायु को, तो स्नायु ही थी ना एक्चुअली में, लेकिन बड़ी स्नायु को थी, अब पता लग गया ना कि क्यों है, कि वृत्त स्नायु को क्या बोलते हैं टेंडन बोलते हैं, अपन ने वहाँ पे अलग से की था लेकिन यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो प्रतानवती स्नायु लिगामेंट्स, सुश्रुत शरीर में बताया हुआ है पाँचवें चैप्टर में, देखो 38वां 39वां 40वां ये सब सुश्रुत शरीर में मतलब सुश्रुत संहिता में आपको पढ़ने के मिलेंगे। अब ये सुश्रुत संहिता चरक संहिता कब पढ़ोगे, चरक संहिता सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ोगे, सुश्रुत संहिता फाइनल ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। अब कर लेते हैं 10 मिनट बचिए। प्रतानवत्य शाखासु सर्वसंधिषु चापिता, यह स्नायु चारों ओर शाखाओं तथा संधि बंधनों पर होती है, इनका आकार प्रतान के समान होने से प्रतानवर्ती कहलाती है। प्रतान समझते हो, जैसे आपने बेल देखी है, बेल किसी भी तरह की बेल, जैसे तरबूज लगता है जिसमें घिया लगती है, जिसमें लौकी लगती है, जितने भी बेल वाले प्लांट हैं ठीक है, उनमें जो प्रतान होता है एक तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए एक धागा सा निकलता है वो प्रतान, उस तरीके से प्रतानवर्ती स्नायु लिगामेंट, कि प्रतान वर्त्य शाखासु सर्वसंधिषु चापे, मतलब शाखाओं में होती है और सर्वसंधि मतलब सभी संधियों में बंधन का काम करती है। ये स्नायु चारों शाखाओं मतलब हाथ दोनों पैर, ये स्नायु चारों शाखाओं तथा संधि बंधनों पर होती है, इनका आकार प्रतान के समान होने से प्रतानवती कहलाती है, कि उसके समान होने के कारण जस्ट लाइक प्रतान, जैसे अपन बेलों में प्रतान होते हैं ना तरबूज के आगे, लौकी तरबूज जितने भी बेल वाले प्लांट्स हैं, गुड़ूची ऊपर बढ़ती है, तो उस तरीके से प्रतानवती स्नायु। अब देखो वृत्त स्नायु टेंडन, बृहतास्तु कंडरा सर्वा विज्ञ कुशलहरी, अगर ये याद हो जाए ना श्लोक तो कर लेना, नहीं तो परिभाषा याद कर लो वही काफ़ी है, क्योंकि ये याद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है श्लोक, लेकिन मैंने लिख दिए। वृत्त का अर्थ होता है गोल, इसी कारण इन्हें वृत्त कहा जाता है, यह गोल स्नायु कंडरा समझनी जानी चाहिए, कि इन्हें कंडरा समझ मतलब टेंडन, अपन ने कंडरा समझ लिया ना कि ये वृत्त गोल स्नायु को, कि ये गोल स्नायु को कंडरा समझी जानी चाहिए, और अपन पहले ही कर चुके कि जो बड़ी स्नायु होती है उनको क्या बोलते हैं कंडरा बोलते हैं। सुषिर स्नायु वेल्वल और बैंड ऑफ मसल्स, सुषिर यानी खोखलापन, नाम से पता चल रहा है खोखलापन, आम प
पक्वाश्यनतुज वस्तुश्च सुशिरा खलु, यह स्नायु सुशिर होता है, मतलब खोखला होता है। हाँ अभिषेक हिंदी लिखने पूरे मार्क मिलेंगे। देखो जो श्लोक इंपॉर्टेंट है ना वो मैं बता दूंगा कि वो श्लोक आपको लिखना ही है एग्जाम में, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये श्लोक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के श्लोक याद नहीं कर सकते। जो श्लोक इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा आपको कि ये श्लोक लिखना है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आया कि भाई स्नायु के प्रकार लिखो, तो आप ये नाम लिख दो और इनकी हिंदी लिख दो, काफ़ी है, सफिशियंट है। यह स्नायु सुशिर होता है, नाम से पता चल रहा है। यह सुशिर स्नायु मुख्य रूप से पक्वाश्य, आमाश्य और मूत्रा से। देखो आम पक्वाश्यंतु वस्तु, मतलब आम यानी आँख, आमाश्य पैक्सु पक्वाश्य, वस्तु यानी ब्लेडर, तो पक्वाश्य आमाश्य और मूत्राश्य में होता है। कौन सा? सुशिर स्नायु, क्योंकि खोखला है ना, आमाश्य भी खोखला है, पक्वाश्य भी खोखला है, ब्लेडर भी खोखला है, तो ये खोखली जगह पर पाया जाता है सुशिर स्नायु। प्रेतुल स्नायु देखो, फ्लेटेड और रिबन शेप्ड, पार्श्वरपि तथा पृष्ठे प्रतुलश्च शिरस्थश्च, अर्थात चौड़ी स्नायु पार्श्व और पृष्ठ और सिर में पाई जाती है। चौड़ी यानी जहाँ पे मतलब फ्लैट बोन पाई जाती हैं, क्योंकि ये फ्लैट नाम से पता चल रहा है कि फ्लैट बोन जहाँ पाई जाती हैं, कि उर पार्श्व पीठ में, उर्स में, पृष्ठ पार्श्व यानी ये पार्श्व यानी अपनी जो पसलियों वाला एरिया ना वो पार्श्व, ठीक है, उर पृष्ठ और सिर में भी देखो फ्लैटेड बोन पाई जाती है एक तरीके से, जहाँ पे फ्लैट बोन पाई जाती है ना वहाँ पे ये मुक्त प्रेतुल स्नायु पाया जाता है। प्रेस्ट में भी पाई जाती हैं, उर प्रदेश में भी पाई जाती हैं, ये उर प्रदेश में भूल गया, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, उर यानी क्या होता है, कौन बताएगा? हेलो सर, प्रोबेबली थाई रीजन, उरु बोलते हैं ना, थाई रीजन को उरु बोलते हैं ना सर, प्रोबेबली, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, मुझे लग रहा है सर, मेरे माइंड से निकल गया, मुझे याद था लेकिन वो अचानक से वो होता है ना, एक बार माइंड से चेस्ट रीजन, उर हाँ चेस्ट रीजन, ठीक है, उर प्रदेश चेस्ट रीजन करेक्ट। तो इन सब में ये क्या पाया जाता है? प्रेतुल स्नायु पाया जाता है। अब इसके कार्य देख लो, जिस प्रकार अच्छी तरह से बनाई हुई तख्तों से तैयार की हुई बहुत से बंधनों से युक्त नौका पुरुषों के लिए बाहर बहन करने में समर्थ होती है, उसी प्रकार शरीर में जितनी भी संधियाँ होती हैं वे बहुत से स्नायु से बंधी हुई होती हैं, अतः मनुष्य का भार सहन करने में समर्थ होते हैं। जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी मसल्स हैं, वो लिगामेंट से मतलब स्नायु से बंधी हुई हैं। अगर ये बोलते हैं ना लिगामेंट डिसलोकेट हो गया, लिगामेंट में टेंड में खिंचाव है, लिगामेंट में खिंचाव है, जॉइंट को कुछ नहीं हुआ, लिगामेंट में खिंचाव है, क्योंकि जॉइंट को इन्होंने कवर कर रखा है। अगर ये हट गई ना, अपन देखो नी जॉइंट देखो, उसके कितने सारे लिगामेंट पड़ते हैं अपन, कि रोटेड लिगामेंट, लेटरल लिगामेंट, मीडियल लिगामेंट, ठीक है, इसको कप को ग्राउंड करने वाले, क्योंकि लिगामेंट खसके बांध रखा है। अगर ये लिगामेंट ढीले पड़ गए, लिगामेंट हट गए ना, तो अपने जॉइंट फैल जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे अपन, तो इन लिगामेंटों ने रोक रखा। तो ये बोल रहा है कि जिस प्रकार अच्छी तरह से बनाई हुई तख्तों से तैयार की हुई बहुत से बंधनों से युक्त नौका पुरुषों के सहित बाहर करने में समर्थ होती है, कि एक जो नाव होती है ना अच्छी तरीके से बांध बूंध के बनाते हैं, अच्छी तरीके से तैयार करके, उसी प्रकार से ये लिगामेंट अपने, उसी प्रकार शरीर में जितनी भी संधियाँ हैं वे बहुत से स्नायु से बंधी हुई हैं, अतः मनुष्य का बाहर करने बाहर सहन करने में समर्थ है। तो जितने भी जॉइंट हैं जिनका बाहर अपने पैरों पर चलते हैं, हाथों से वजन उठाते हैं, तो ये जॉइंट काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिगामेंट से बंधे हुए हैं, तभी तो अपने स्थान से नहीं हट रहे, तो ये स्नायु के कार्य हैं। तो मैं क्लास को एक बार डिसमिस कर रहा हूँ, दोबारा से ज्वाइन होना, अपन लसिका करेंगे, ठीक है।